आसाम की धरती पर जब से मैं आया हूँ दो व्यक्तियों के नाम की चर्चा सुन रही हूँ। हाँ, जितने भी लोग हैं शंकरदेव और माधव देव के बारे में उनकी गाथाओं को गाते हैं, बहुत अधिक लिटरेचर भी बनाया है और उन्होंने उस समय इस वैष्णव संस्कृति को बचाने की दृष्टि से और लोगों को धर्म से जोड़े रखने के लिए जो प्रयत्न किया उसके कारण से वो इतने वर्षों के बाद भी, तो 15वीं शताब्दी का अवसर था, आज अपन इतने वर्षों के बाद भी उनका स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो इस कारण से करते हैं कि उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया और समाज आज इस यात्रा को यहाँ तक जो कर पा रहा है वो उनका जड़ में उन लोगों की तपस्या साधना और उनके द्वारा दी हुई शिक्षा के कारण से हमारा ये जो वैष्णव धर्म है वो इस ऊंचाई तक आसाम में जिंदा रहा। उसके जड़ में अगर कोई है तो ये दोनों महापुरुष हैं, शंकर देव और माधव। आपका बहुत बड़ा सुख दर्शन किया, देखो मैं तो दर्शन तो किया, मेरी जानकारी में नहीं था, मुझे यहाँ आने पर बताया कि माधव देव की ये तीर्थ स्थली है, तो मैंने कहा यहाँ तीर्थ स्थली पर अगर मैं भी प्रणाम करूंगा तो मुझे भी कुछ न कुछ आशीर्वाद मिलेगा जिससे मैं समाज का और देश का अच्छा सेवक बनकर ईमानदारी से काम करूं जनता के लिए, जिस जनता ने मुझे ये सम्मान दिया। और शंकरदेव गुरु एक महान गुरु था, लेकिन भारतवर्ष तो राज्य में शंकरदेव के बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं है। देखो क्या है कि अभी मेरा नॉलेज तो थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी मैंने जब से आया हूँ जहाँ भी जाता हूँ ये दोनों नाम बराबर आते हैं और इनके आधार पर विश्वविद्यालय भी बने हैं, कई स्थानों के नाम भी उनके नाम पर हुए हैं। इसका मतलब एक आने वाली पीढ़ी उनको इस नाम के आधार पर उनकी जो कुछ अपने इस आसाम को देन रही है, इस धर्म को देन रही है, उसको लोग याद रखें और अपने आप को भी उसी दिशा में ढालने का प्रयास करें ताकि हम अपने इस महान संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। तो बहुत आगे बढ़ रहा है और बन गया, इस बारे में आप क्या बोलना चाहिए? देखो हिंदुस्तान आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हो रहा है। नरेंद्र मोदी के आने के पहले हिंदुस्तान 11वीं पोजीशन पे था आर्थिक दृष्टि से, आज हिंदुस्तान 5वें स्थान पर आया है और वो भी उस इंग्लैंड को पीछे धकेला है जिसने हम पर 200 साल तक राज किया और आने वाले 2-3 साल में ही हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरेंगे। तो ये वास्तव में देश की जनता का भी सहयोग है और नरेंद्र मोदी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान।